प्यारी लड़कियों, आप बहुत खूबसूरत नहीं हो। ये संदेश आप रोज सुनते हो सकता है कि वह ऐसे ही ना कहे, पर अंदर ही अंदर वो कहना यही चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक आदमी होने के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप भले ही बहुत सुंदर ना हो, पर आप खूबसूरत हो। सुंदर होना अच्छा है, पर वो टिकता नहीं। जितना अधिक आप अपने शरीर के पीछे जुनूनी रहेंगे, उतना ही आपको दर्द होगा। क्योंकि देखो, जिस सुंदरता को आप इतना संजोते हो, एक दिन वो फीकी पड़ जाएगी और आप जूनो लार्गो वेलेंसिया फिल्टर को इस्तेमाल करके भी इसे नहीं छुपा पाओगे। क्योंकि उम्र के साथ प्राकृतिक रूप से यही होता है, और ये ठीक है। जैसे कि तुम अपने आप को इससे और उससे तुलना करते हुए पेज स्क्रॉल डाउन करते करते अनजाने में अपने आप को परेशान कर देते हो। मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। पास आओ, आपके साथ मजाक चल रहा है। ये जो परेशानी और चिंता आप महसूस कर रहे हो, ये कंपनीज आपके साथ यही करना चाहती है। सोचो इसके बारे में, आपको क्या लगता है क्यों इसे कहते हैं इंस्टाग्राम? क्योंकि आपको देता है खुशी की एक ग्राम। हर लाइक एक लत की तरह है। जितना अधिक आप इसको महसूस करेंगे, उतना ही आपको इसको और पाने की इच्छा होगी। और ये कोई इत्तफाक नहीं है कि तभी आप करेंगे डबल टैप। जैसे कि नशा बेचने वाला हर बार आपका आत्मसम्मान गिराकर अपना सामान आपकी जरूरत की चीज बताकर बेचता है। आप रोज फालतू चीजें देखते हो और वो आपको जानवर समझते हैं। आपको क्या लगता है इसे फीड क्यों कहते हैं? चलो मैं आपको समझाता हूँ। ये वही तरीका है जिससे आपको बैंक बेवकूफ बनाती है, और वो आपके मुंह पर हंस देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें रोक नहीं सकते। वो लत के कारोबार में है और उन्हें पता है कि आप उनके चंगुल में है। 2617, क्या आप जानते हो इस नंबर का क्या मतलब है? एक व्यक्ति अपने फोन को पूरे दिन में अंदाजन इतनी बार इस्तेमाल करता है। लाखों करोड़ों लोग हर समय यही देखते हैं कि किसी ने मेरा पोस्ट पसंद किया। भले ही आपके पास कितने भी फॉलोअर्स हो, लेकिन इससे आपका अकेलापन नहीं मिटेगा। आंखें खोलो अपनी, ये सब बनावटी है। वो चाहते हैं कि आप अधूरा महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको हर बार अपने आप को साबित करना पड़े। मूवीज से लेकर गानों से लेकर मैगजीन्स तक, हर चीज में जो इतनी सफाई के साथ ग्रोसरी स्टोर में रखी रहती है, वही मूवी स्टार्स की फोटो के साथ वाली। वो पैसे कैसे कमाएंगे जब तक आपको अपने आप से प्यार रहेगा? देखो, आपको सुंदर और संपूर्ण बताकर उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं अपनी वीडियो पर ज्यादा व्यूज की भी उम्मीद नहीं रखता हूँ, पर मैं वही करता रहूंगा जो मुझे करना चाहिए, और सच बोलता रहूंगा। और सच तो यही है, आपको कोई परफेक्ट आईब्राउज या थाई गैप की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही सुंदर है। आपको बहुत सारे अनजान लोग या उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। आपको लेटेस्ट डीटॉक्स प्रोग्राम या टीथ व्हाइटनर या फ्लैट एब्स की जरूरत नहीं है। आपकी कीमत किसी ड्रेस, शू या किसी बैग के प्राइस टैग से नहीं लगाई जा सकती है। काश मैं आपको दर्शा पाता कि आपके अंदर गहराई में क्या है। ये वो सुंदरता है जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, पर वास्तव में वो अपने आप बयान होता है। जब आप मुस्कुराते हो तो आप अंधेरे में भी निखारते और चमकते हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुस्कुराते रहे और पूरी दुनिया को एक अच्छी जगह बनाए। आप संपूर्ण हो, और ये जो आपको पता है वो आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता, भले ही आपके चेहरे पर चमक हो या ना हो। आपको हंसी आ रही है, पर मैं सीरियस हूं। फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप ज्यादा सुंदर हो कि नहीं? आप पहले से ही खूबसूरत हो। पूर्ण विराम।